दोस्तों, अगर आप थोड़ा बहुत सोशल मीडिया या टीवी देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में इस समय हालात ठीक नहीं है। 2,20,00,000 की आबादी वाला श्रीलंका वित्तीय और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। प्रदर्शनकारी कर्फ्यू के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के मंत्री सामूहिक इस्तीफे दे रहे हैं। खाने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। स्थिति गृह युद्ध जैसी हो चुकी है। पर इस सब का कारण क्या है और क्यों ऐसी स्थिति आई है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और वहां के वर्तमान हालात पर भी नजर डालेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं राजा मीणा स्वागत करता हूं आपका फैक्ट फ्लोर हिंदी पर। साल 1948 में आजादी मिलने के बाद से ही श्रीलंका अभी तक की सबसे खराब आर्थिक हालात से गुजर रहा है। चलिए जानते हैं श्रीलंका के आर्थिक संकट की वजह क्या है। जानकारों का कहना है कि श्रीलंका में संकट कई सालों से पनप रहा है, जिसकी एक वजह सरकार की गलत प्रबंधन भी माना जाता है। पिछले एक दशक के दौरान श्रीलंकाई सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए विदेशों से बड़ी रकम कर्ज के रूप में ली है। बढ़ते कर्ज के अलावा कई दूसरी चीजों ने भी देश की अर्थव्यवस्था पर चोट की, जिनमें भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लेकर मानव निर्मित तबाही तक शामिल है। इसमें रासायनिक उर्वरकों पर सरकार का प्रबंधन शामिल है, जिसने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया। स्थिति 2018 से बदतर होना शुरू हुई जब राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया, जिससे संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। इसके एक साल बाद 2019 में ईस्टर पर श्रीलंका में कई जगह बम धमाके हुए, जिससे पर्यटकों का वहां आना बंद हो गया। आपको बता दें, श्रीलंका की GDP का 10% पर्यटन से आता है और फिर COVID-19 ने श्रीलंका में पर्यटन को जीरो कर दिया। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने करों में कटौती की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन ये कदम उल्टा पड़ गया और सरकार के राजस्व पर बुरा असर पड़ा। सरकारी कर्ज का भुगतान करने के लिए फिर श्रीलंका को अपने विदेशी मुद्रा भंडार का रुख करना पड़ा, जिसके चलते इस साल भंडार घटकर $2.2 बिलियन हो गया, जो 2018 में $6.9 बिलियन था, जिससे पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य जरूरी चीजों की आयात पर असर पड़ा और कीमतें बढ़ गईं। अब आपको बताते हैं दोस्तों, श्रीलंका के आम लोगों के हालात कैसे हैं। श्रीलंका में आम लोगों के लिए स्थितियां बहुत बुरी हो गई हैं। लोगों को बुनियादी सामान के लिए घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है और वो भी उनको एक सीमित मात्रा में मिल रहा है। हाल के हफ्तों में दुकानों को बंद करना पड़ा है, क्योंकि फ्रिज, एयर कंडीशनर या पंखे आप चला नहीं सकते। लोगों को गैस स्टेशनों पर टंकी भरवाने के लिए घंटों गर्मी में खड़ा होना पड़ रहा है। इन लोगों को संभालने के लिए गैस स्टेशनों पर सैनिकों को तैनात किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतजार करते करते कुछ लोगों की जान भी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ब्रेड के दाम दुगने हो गए हैं, जबकि ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों का कहना है कि सीमित मात्रा में मिल रहा है ईंधन बहुत कम है। कुछ लोगों के लिए हालात बहुत बुरे हैं, क्योंकि उन्हें परिवार का पेट भरने के लिए काम भी करना है और सामान के लिए लाइनों में भी खड़ा होना पड़ रहा है। मध्यम वर्ग के जिन लोगों के पास अपनी सेविंग्स हैं, वो भी परेशान हैं। उन्हें डर है कि उनकी दवाइयां और गैस खत्म हो सकती है। लगातार हो रहे पावर कट ने कोलंबो, जो देश की राजधानी है, को अंधेरे में धकेल दिया है। 10-10 घंटे तक बिजली गुल हो रही है। सरकार विदेशों में रहने वाले श्रीलंका के लोगों से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में दान देने की अपील कर रही है। और इस बीच श्रीलंका कर्ज चुकाने के लिए मदद के लिए पड़ोसी देशों का रुख भी कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से भी कर्ज की बात चल रही है। वहीं नुकसान में चल रही श्रीलंकन एयरलाइंस ने अपने 21 विमानों को लीज पर देने की योजना बनाई है। हालांकि कई नेताओं ने विमान लीज पर देने के श्रीलंकन एयरलाइंस के इस फैसले का विरोध भी किया। अब आपको बताते हैं कि श्रीलंका की वर्तमान हालात क्या है। गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग चुके हैं। देश छोड़ने से श्रीलंकाइयों का गुस्सा भड़क गया। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमकर उत्पात कर रहे हैं। लोगों के उग्र विरोध को देखते हुए सेना ने अपने नागरिकों के सामने हथियार नीचे कर दिए हैं। काबू करने के लिए वे सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं या हल्का बल प्रयोग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और 75 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। बुधवार को यानी 13 जुलाई को इस्तीफा देने का वादा करने वाले 73 साल के गोटाबाया ने
देश छोड़कर जाने के कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री रोनिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अब वहाँ नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास अभी भी प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। श्रीलंका में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए इमरजेंसी लगा दी गई है। प्रधानमंत्री रोनिल विक्रमसिंघे ने सेना से शांति बनाए रखने के लिए एक्शन लेने की अपील की है। हालांकि पीएम के आदेश पर पूर्व फील्ड मार्शल और सांसद शरद फोनसेका ने विरोध किया है। तो कहने का मतलब यह है कि श्रीलंका की आर्थिक राजनीतिक हालात बहुत बेकार है। लोगों का अपने सरकार से भरोसा उठ चुका है। वहां के नेता इस्तीफा दे रहे हैं। राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। अब आगे देखते हैं कार्यवाहक सरकार क्या नए फैसले करती है और श्रीलंका को किस तरफ लेकर जाती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए फैक्ट फ्लोर हिंदी।